हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 13 चतुर बीरबल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है अकबर। एक महान मुगल सम्राट थे। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे। इन्हें नवरत्न कहा जाता था। कहते हैं कि अकबर एक बहुत ही महान मुगल सम्राट थे, राजा थे। उनके दरबार में 9 प्रमुख मंत्री थे। 9 मंत्री थे उनके दरबार में, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये 9 मंत्री अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे। इन नवरत्नों में से बीरबल भी एक रत्न थे। कहते हैं कि ये जो 9 मंत्री थे अलग अलग क्षेत्रों में विशेष योग्यता रखते थे, और ये 9 नवरत्नों में से एक नवरत्न थे बीरबल। ठीक है, बीरबल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। अपनी बुद्धि, चातुर्य और अपनी हाजिर जवाबी से बीरबल ने अकबर के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त किया था। कहते हैं कि बीरबल बहुत ही नेक, विद्वान और हाजिर जवाब व्यक्ति थे। उन्हें हर मुसीबत का हल पता होता था, और इसी के कारण उन्हें दरबार में सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। वह राज्य की समस्याओं को हल करते, प्रजा को न्याय दिलाते और सच बात कहकर सीख भी देते। इन सब कारणों से अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। जिस दिन बीरबल दरबार में न आते, उस दिन अकबर बहुत उदास रहते, उन्हें अच्छा ना लगता। और इन्हीं सब के कारण बीरबल जब कई बार अकबर के दरबार में नहीं आते तो अकबर को बिल्कुल भी अच्छा ना लगता। वह पूरा दिन उदास रहते थे। एक दिन एक राज कर्मचारी दरबार में काफ़ी देर से आया। अकबर ने उसे बुलवाया और उससे देर से आने का कारण पूछा। अब क्या होता है कि एक दिन एक राज्य में, उसी राज्य में काम करने वाला कर्मचारी दरबार में काफ़ी देर से आता है, लेट आता है, और अकबर ने उसे बुलाकर उससे देरी से आने का कारण पूछा। ठीक है, आज हम यहीं तक रीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।